वेलकम टू स्पीड अर्निंग डॉट इन। ऑनलाइन ट्रेडिंग में टारगेट को कैसे डिसाइड करें, इस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। वैसे टारगेट के लिए कोई फिक्स पैरामीटर आप नहीं रख सकते। मैं हमेशा कह के रखता हूँ कि भी स्टॉप लॉस फिक्स कर लो, कितना पैसा लगेगा इसको नियत कर लीजिए, इसको फिक्स कर लीजिए कि हाँ मैं 1,500 या 2,000 रुपये तक के स्टॉप लॉस ले रहा हूँ। प्रॉफिट को खुला छोड़िए, तो कभी ये 1,000 रुपये का स्टॉप लॉस हो सकता है, 1,000 रुपये का टारगेट हो सकता है। अगर मार्केट सपोर्ट कर रहा है तो मार्केट सपोर्ट करेगा तो 5,000 रुपये का भी टारगेट आपको मिलेगा। और इस तरीके से कह सकते हैं हम कि 22-25 दिनों में आपके पास 10 से 12 दिन जनरल प्रॉफिट्स के होते हैं, जिसमें आप मुश्किल से 0.5% प्रॉफिट मिल पाए, 1,000-1,200 रुपये का प्रॉफिट मेंटेन कर पा रहे हैं। 3-4 दिन कितनी भी कोशिश करो लॉस में बंद होगा, और 3-4 दिन ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकते हैं जब आप अपने प्रॉफिट को मौका दो कि पूरे महीने के प्रॉफिट को वो पूरा ठीक ठाक बना देंगे। तो वो दिन 7-8 हज़ार रुपये पर डे के होंगे, 4 दिन में ही मिला के 30,000 रुपये का प्रॉफिट जब जुड़ जाएगा तो पर डे का एवरेज 2,000 रुपये पर डे से भी ज़्यादा हो जाएगा। इस चीज़ को आपको सीखना होगा। तो SL से प्रॉफिट का जो रेशो है, एक जनरल रूल्स की बातें मैं कर रहा हूँ, SL से प्रॉफिट का रेशो 1:2 या 1:3 होना चाहिए कम से कम। कि 1 रुपया अगर आपका SL है तो कम से कम 2 रुपया टारगेट, 1 रुपया SL है तो 3 रुपये टारगेट, इस तरह की चीज़ बने। पर इसमें ये मत समझिए कि हम आपसे कह रहे हैं कि आपके टारगेट बड़े होने चाहिए। हम आपसे कह रहे हैं आपका स्टॉप लॉस जितना पॉसिबल हो उतना छोटा होना चाहिए। जैसे 30 पैसे का स्टॉप लॉस लिया तो 1 रुपये का टारगेट है। ये डिपेंड करेगा परसेंटेज पे कि अगर 2,500 रुपये का शेयर है तो उसका 1% 25 रुपया होता है, तो आपको कम से कम 5 या 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो लेना ही होगा, और उसमें बड़ी आसानी से 15 से 20 पॉइंट का टारगेट आपको मिलेगा। तो उस बड़े शेयर में वॉल्यूम को उस हिसाब से सेट कीजिए ताकि आपका रिस्क ना बढ़े। तो हम लोग बात कर रहे थे जो हमारा स्टॉप लॉस है वो छोटा हो, और छोटा स्टॉप लॉस रखने के लिए आपको टाइम डिसिप्लिन रखना होगा, क्योंकि हर वक्त छोटा स्टॉप लॉस काम नहीं करता। स्टॉक मार्केट में बात करूंगा तो आपको इधर सुबह 9:54 या शाम को 2:54 पे छोटा स्टॉप लॉस लेंगे तो 1 रुपये का स्टॉप लॉस या 0.2% भी काम कर सकता है। कमोडिटी में 6:30 पे या 6:54 पे काम करेंगे तो छोटा 0.2% का स्टॉप लॉस भी काम कर सकता है। वो हमेशा काम करेगा ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप जब लगातार 10 दिन या 15 दिन अप्लाई करेंगे तो हो सकता है वो 7 दिन स्टॉप लॉस टूट जाए, 7 दिन टारगेट हो, लेकिन ओवरऑल जब आप रिटर्न देखेंगे तो रिटर्न वो सही निकल के आएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा सा है, टारगेट 3 गुना है। तो 7 दिन में अगर आपने 7 रुपये खोए हैं तो आपको मिला है 20 या 21 रुपये, तो सीधा सीधा 14 या 15 रुपये आपका मार्जिन बच रहा है, जो कि 60-70% है। ठीक है, टारगेट शुड बी स्मॉल इन फर्स्ट हाफ, किसी भी टाइम फ्रेम में, 1 दिन 1 महीना 2 साल, ऐसे टाइम फ्रेम में जो पहला हाफ होता है तब आपके टारगेट स्मॉल होना चाहिए, तो बाद के हाफ में वो टारगेट बड़े रख सकते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट केस में बात करूं तो 1:30 के पहले जब यूरोपियन मार्केट खुला नहीं है तो मार्केट कन्फ्यूजन में है, तो थोड़ी बहुत मूवमेंट आ रही है, फिर रेंज बाउंड हो गया है, चल रही है चीज़ें, तो छोटे छोटे प्रॉफिट लेके वापस आना पड़ेगा आपको। कई बार ऐसा होता है कि सुबह आप देखते हैं कोई स्टॉक 2% से लेके 5-6% तक बढ़ गया, और दोपहर में वो 5-6% से गिर के 3-3.5% तक आ गया, और फिर उसने 2:30 बजे के बाद 3.5% से 7-8% तक का मूवमेंट किया। तो आपने एक बार प्रॉफिट बुक कर लिए 12 बजे 12:30 बजे के पहले स्टॉक मार्केट में, और उसके बाद री एंटर किया 2:30 बजे के बाद सेकेंड हाफ में, और वहाँ आप बहुत बड़े प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हाफ में आपको कितना मिल सकता है, 1-2% आ गया, सेकेंड हाफ में वही 3-5% होगा स्टॉक मार्केट। कमोडिटी या MCX मार्केट की बात करें तो 6 बजे के पहले मैं पहला हाफ मानूंगा, जब ग्लोबल मार्केट खुले नहीं है तब तक आपको 0.3% से 0.8% तक कुछ भी मिल सकता है प्रॉफिट, और 6:30 बजे के बाद जब ग्लोबल मार्केट ओपन हो जाएंगे उस वक्त तो फिर आप 1-2% भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे चांदी की बात करें, सिल्वर की, तो 400 पॉइंट सिल्वर में मिल गए, या क्रूड में 40 पॉइंट मिल जाएंगे 6:30 बजे के बाद, लेकिन सुबह आपको
10 से 12 पॉइंट या 15 पॉइंट में तसल्ली करके बाहर आना होगा। अगर आप वहाँ प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्रॉफिट दिखाते हुए वो चीज़ नीचे आई, आपका स्टॉप लॉस ले गई। तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार मेमोरी में वो प्रॉफिट की बातें रहती है कि यार अभी प्रॉफिट में आ गया था, लेकिन बुक तो कभी किया नहीं, तो फाइनली जो इकट्ठा होता जा रहा है वो छोटा छोटा करके एक बड़ा लॉस बन जाता है। तो आपको छोटे छोटे प्रॉफिट इकट्ठे करते रहना चाहिए, एक एक रन लेते रहिए, ताकि एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा हो और आप 4 और 6 जैसे क्रिकेट में होते उनको अफोर्ड कर सकें, रिस्क लेना अफोर्ड कर सकें, क्योंकि छोटा छोटा प्रॉफिट आपको कैपेबल बनाता है बड़ा रिस्क लेने के लिए। फिर आता है कि एसएल एंड टारगेट शुड बी कैलकुलेटेड एज पर योर कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए, टेक्निकली बाद में देखिए। जैसे आपको लगता है कि सिल्वर अभी 43,000 चल रही है और इसका सपोर्ट लेवल 41,000 आ रहा है, तो अब 2000 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, बात खत्म होती है। तो हमको रास्ता निकालना पड़ेगा कि चार्ट में जाके देखूं पोजिशनली में कि कहां कहां सपोर्ट लेवल आ रहा है। तो मुझे पता लग रहा है एक सपोर्ट लेवल 41,700 पे आ रहा है, एक सपोर्ट लेवल 42,700 पे आ रहा था, फिर एक 42,000 पे आ रहा था, एक 41,300 पे आ रहा था। तो हर एक सपोर्ट लेवल पे मैं बाई करके 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाऊंगा और अपने 600 पॉइंट जो मेरी कैपेसिटी है उसके हिसाब से ट्राई करूंगा। 70-80% चांसेस है कि एक बार 200 पॉइंट चला गया स्टॉप लॉस में, दूसरी बार 200 पॉइंट चला गया स्टॉप लॉस में, तीसरी बार 200 पॉइंट नहीं गया और पहली ही लहर में आपको 800 से 1200 पॉइंट वापस मिल गए और फाइनली आप एक प्रॉफिट लेके बाहर आए। तो ये चीज, अब ये स्टॉप लॉस की बात कर रहा था, अब मैं बात करता हूँ टारगेट्स की। तो टारगेट्स को किस तरीके से हैंडल करेंगे कि अगर कोई चीज, कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी स्टॉक आपके सामने 200-250 रुपए का था, बढ़ते बढ़ते वो 300 हुआ, 350 हुआ और 420 रुपए पे खड़ा। अब वो तो कितना भी आगे तक भाग सकता है, क्योंकि जब तेजी की लहर आती है तो वो अनस्टॉपेबल होती है और जितना आप सोचते हैं उससे दुगनी आती है। मंदी में भी यही होता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि उस लेवल पे आपको छोटा क्वांटिटी और बहुत छोटा स्टॉप लॉस लेना है, क्योंकि 420 पे जाके खड़ा है 220 से, तो उसका तो एवरेज ही 330-340 के आसपास कहीं आएगा। तो अगर वो गिरेगा तो वो तो 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी वैसे ही लेके जाएगा एक झटके में। तो क्यों देना वो 25 पॉइंट, वहाँ पे आप 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए, 2-3 बार रखिए, और अगर वो पलट जाता है, एक सपोर्ट लेवल को तोड़ के नीचे आ जाता है, तो सेलिंग में शामिल हो जाएगा, ठीक है। और नीचे जब आप, आपको दिखता है कि कोई स्टॉक बहुत दिनों से गिर रहा है, मतलब 250 रुपये से गिरते गिरते वो 180 हुआ, फिर 160 हुआ, अभी 140 खड़ा है, तो वहाँ पर मैं कहूँगा कंपेरेटिवली थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लेके वेट कीजिए। और बस वो चीज़ अगर हमारे पास रह गई और तब ये अचानक रिवर्सल आ गया, तो हमारा टारगेट वहाँ बड़ा होना चाहिए। ऊपर के लेवल पे अगर बहुत ओवरबॉट लेवल पे हैं तो टारगेट छोटे छोटे रखने हैं कि घुस तो गए थे, जहाँ जो मिला लेके भाग जाओ। नीचे के लेवल पे टारगेट बड़े एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि जो चीज़ 250 रुपये से गिर के 140 हुई थी, तो मैं उसके 180-190 तक आने तक तो वेट कर ही सकता हूँ ना। तो आप आराम से 20-25% तक का, 15% तक का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है बड़ा टारगेट हो या छोटा टारगेट, अगर उसको हिट होना है, मार्केट का मूड है, तो वो काम 5 से 10 मिनट में हो जाएगा। इसलिए किसी भी तरह की पोजीशन बना के वो लगातार स्क्रीन को घूरते रहने से कुछ नहीं होगा। मैं सजेस्ट करता हूँ कि पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पे एंटर करो, मूवमेंट आ रहा है फटाफट प्रॉफिट बुक करो, नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट आधी से ज़्यादा क्वांटिटी खाली करके स्टॉप लॉस लगा के छोड़ो। ये एक सही तरीका हो सकता है जिसमें आपको बहुत कम स्ट्रेस होगा, क्योंकि दिन भर स्क्रीन को घूरते घूरते अगर आप शाम तक पहुँचे हो तो सही मौका आने पर आपकी ताकत नहीं कि आप सही ट्रेड कर लेंगे। इसलिए अपनी कैपिटल और एनर्जी दोनों को सही मौके के लिए बचा के रखिए। कई बार लोगों को लॉसेस तो नहीं होते पर वो थक चुके होते हैं, और जब उनसे कहा जाता है कि यार अपॉर्चुनिटी आई है लेना है क्या, बोले छोड़ रहा है, थक गए दिन भर से कोई मतलब नहीं, मैं बार बार घूम रहा है, और इस बार वो बहुत अच्छा मोमेंट दिखाता है, आप मिस कर देते हैं क्योंकि आप दिन भर से घूर रहे थे स्क्रीन को। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू टू फॉलो द टाइम डिसिप्लिन। टाइम डिसिप्लिन इसीलिए मैं फॉलो करने को बोलता हूँ इन लॉन्ग टर्म। किसी ने आपसे ये कहा कि यार 500 रुपये का आयशर मोटर था 10,000 में बेचा, कैसे कर लिया ऐसा, या फिर
कोई बता रहा है कि सपोज कोई सा भी शेयर आपके पास स्टॉक मार्केट में, कई सारे ऐसे शेयर दिख रहे होंगे कि डॉक्टर रेड्डी 600 700 रुपए से कैसे 2500 2600 रुपए पे जाके खड़ा है। तो ऐसा लगता है कि यार 600 से 900 900 से 1200 1200 से 1500 होने पे भी आदमी ने बेचा कैसे नहीं। हम तो 600 का 620 देखते हैं तब से हमारे अंदर गुदगुदी होने लगती है। 20 पे हमको लगता है दें क्या, दे दें क्या, चलो थोड़ा सा दे के रखते हैं। फिर 40 50 पे और दे देते हैं, फिर हम देखते हैं वो 670 जाके एक बार 640 वापस आ गया। वो वापस जब 70 गया तो आओ देखा ना दाओ, हमने तो पूरा पूरा माल खाली कर दिया। और बाद में 750 देख के कह रहे हैं अरे यार इसी में रहते तो मज़ा आ जाता। उसके बाद वही चीज़ 800 900 1000 होती रहती। आप सोचते रहते एक बार नीचे आएगा तो फिर घुसूंगा, फिर एंट्री करूंगा, मौका नहीं मिलता। तो इसलिए आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर ऐसा हो रहा है तो शुरू में ऐसा क्यों होता है कि हर एक ट्रेडर उस फेज में यही करेगा। एक समय होता है खतरे का जब सबको डर लगता है। तो 600 रुपये की चीज़ बार बार 650 जाएगी, फिर 600 आएगी, 610 आएगी, फिर 680 जाएगी, फिर 640 आएगी, ऐसे इसको ले खाते खाते बड़ी मुश्किल से 800 क्रॉस करेगी। ऐसे केस में आपको समय का डिसीजन लेना होगा कि मैं 6 महीने इसको रखूंगा या मैं इसको 2 साल रखूंगा। जब समय के डिसीजन से आप 6 महीने का मन बना के बैठे हैं, हो सकता है 2.5 महीने में आपको खबर मिले कि वो तो 600 रुपये से 1100 क्रॉस कर गया। बस खतरे की रेंज से आप बाहर हो चुके हैं, अब आप पहलवान हो जाते हैं, आपको डर नहीं लगता। अब आप चाहें तो इसको 2 2500 3000 तक भी बने रहेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये बात है कि जैसे 1100 से मेरा तो 600 का है, 900 800 पे भी निकल जाऊँ तो दिक्कत नहीं है, आपको कोई डर नहीं। एक मेंटल स्टॉप लॉस है, वेट कर रहे हैं, मौका ऐसा कभी आता नहीं। वो चीज़ बढ़ती रहती है, धीरे धीरे आप और ज़्यादा श्योर हो जाते हो और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता रहता है। बीच बीच में जब वो चीज़ 300% बढ़ती है तब थोड़ा सा बेच दिया, 500% बढ़ती है तब थोड़ा और बेच दिया, लेकिन आखिरी तक आपके पास कुछ ना कुछ क्वांटिटी बची रहती है और आपके मन को पूरी तृप्ति मिलती है। मैं तो कहता हूँ कि 600 रुपये का शेयर 12000 हो जाए और आपके पास 2 शेयर भी बच जाए, और अगर आप उसको 11.5 12000 पे बेचते हो तो आपके मन को तसल्ली रहती है कि मैंने भी एक उड़ा चखा। बल्कि आप लोगों में ऐसे बोस्टिंग करते हैं कि 600 में लिया था 12000 में निकाले, कितने निकाले ये नहीं बताते। ठीक है, तो ये टारगेट के बारे में मैंने आपको बताया कि टारगेट को लेके आप एंटर कीजिए किसी भी ट्रेड में अपने रिजनेबल मार्जिन के लिए। जैसा एक दुकानदारी में होता है कि मैं 150 रुपये का एक शर्ट लेके आ रहा हूँ, खर्चा मिला के इसको 180 में निकालना है, मैं ग्राहक को बोलूँगा 280 320, नाना करते करते 190 में भी बेच सकता हूँ, और जब मुझे पता लगे कि भाई नया माल आने वाला है, दुकान खाली करनी है, तो 150 का माल 140 में खाली करके भी बाहर आ जाऊँगा। लेकिन कुल मिला के ये देखूँगा कि अगर मैंने 5 लाख रुपये धंधे में डाले हैं तो क्या 7 लाख रुपए 6 लाख रुपए मेरी जेब में आए। बस यही व्यापार है, हर चीज़ फायदे में हर वक्त नहीं बिकती किसी भी व्यापार में। और 12 महीने के व्यापार में 10 महीने लोग जैसे तैसे अपने खर्चे निकालते हैं, जैसे तैसे वक्त गुजारते हैं। सिर्फ वो 2 महीने होते हैं जब उनका वो बोनस जैसा प्रॉफिट आता है जो साल भर की मेहनत को सफल साबित करता है। यही बात इस व्यापार में भी है, इसको समझिए, इसको जानिए, इसको मानिए, आपके पास पैसा होगा, मैं वादा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय।